सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द सेल्फिश जायंट। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो पूरी कहानी है इसमें हमें दिखाया जाता है कि एक जो जायंट रहता है, एक जो राक्षस रहता है, वो किस प्रकार से इफेक्ट लाता है, मतलब उसका हृदय किस प्रकार से पिघल जाता है छोटे बच्चों की तरफ। ठीक है, तो यहाँ प्यारे बच्चों बताया गया है कि दोपहर होते ही सभी बच्चे क्या करते थे, एक ग्राउंड था यानी एक बगीचा था, वहाँ पर ले जाते थे और उसी बगीचे में खेलते कूदते थे और उन्हें बहुत ही उसी बगीचे में मजा भी आता था। फिर प्यारे बच्चों क्या होता है कि जो सभी बच्चे रहते हैं उस बगीचे में खेलते होते हैं, तो एक दिन मतलब कि 7 साल बाद, कितने साल बाद, 7 साल बाद एक दिन एक बड़ा सा राक्षस उस बाग में आ जाता है और वहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि ये बाग मेरी है और इस बाग में यानी इस गार्डन में कोई भी नहीं आएगा बिना मेरी परमिशन के, और उस बाग को क्या कर देता है, घेराबंदी करवा देता है, मतलब कि उसे आसपास उसके फेंस लगवा देता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, जब वो उसके आसपास फेंस लगवा देता है यानी कि फेंस मतलब समझ रहा है ना, जिसे हम लोग छर दीवार भी कहते हैं या फिर नई ऊंची सी दीवार उठा देते हैं ताकि कोई ना जा पाए, हाँ तो वही तो, और उसके गेट पे नोटिस बोर्ड भी लगवा दिया कि यदि इस मतलब कि ये जो गार्डन, यदि इसमें कोई बिना परमिशन के जाएगा तो वहाँ पे उसे दंड भी दिया जाएगा यानी कि उसे सजा भी मिलेगी। इसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और बच्चे उस बाग में बहुत जाने का मन कहता है, वहाँ से वो लोग झाँकते हैं पर उस बाग में वो लोग जा नहीं पाते हैं और तो और प्यारे बच्चों क्या होता है, वे सभी बच्चे उस राक्षस को देख करके डर के वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों जो राक्षस होता है वो एक दिन क्या होता है कि देखता है उस सभी के बागों में यानी कि जो सभी की बाग है वहाँ पे तो वसंत आ गया है, यानी कि प्यारे बच्चों सभी का जब ठंडी चली गई तो सभी के पेड़ जो है वो हरे भरे हो गए, सभी के गार्डन के जितने भी पेड़ हैं वो कैसे हो गए, हरे भरे हो गए, पर इस गार्डन के जितने भी पेड़ हैं वो क्या है, अभी के अभी मतलब कि अभी भी उनमें शीत है यानी कि अभी भी वहाँ पे ठंड का मौसम छाया हुआ है, यानी कि बसंत ऋतु में भी यहाँ पे ठंड का मौसम छाया हुआ है, यहाँ की पत्तियाँ हरी नहीं है, यहाँ पे फूल नहीं खिले हैं, सबकी बागों में पक्षियाँ गाते हैं, यहाँ पे कोई भी पक्षी नहीं गाता है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाता है कौन, राक्षस जो रहता है, जायंट रहता है, बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाता है, वो कहता है आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक बार क्या होता है प्यारे बच्चों कि ये जो राक्षस रहता है वो क्या कर रहा होता है, वो सो रहा होता है और इसके बाद इसे एक बहुत ही मधुर सा गीत सुनाई देता है, मतलब कि एक बहुत ही सुंदर सा गीत, वो सोचता है लगता है कोई राजा जो है उसका जो कोई गवैया है वो इस रास्ते से अभी गुजर रहा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों जब वो खिड़की के बाहर से देखता है तो देखता है कि बच्चे उस फील्ड में मतलब कि वहाँ पर एक छोटी सी चिड़िया है वो गा रही है और उसके गार्डन में बच्चे एक छोटे से छेद में से घुस आए हैं, मतलब कि प्यारे बच्चों उसने ये मान लीजिए फेंस करवाई थी तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो छोटे से ऐसा छेद कर दिए हैं और इसी में से क्या कर रहे हैं, अंदर चले गए और उस गार्डन में पेड़ों के साथ साथ खेल रहे हैं और उसके बाद चारों तरफ क्या है, हरियाली हरियाली है और वहाँ पे सभी पक्षियाँ जो हैं वो गीत गा रहे हैं और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। इसे देख करके उसका मन बहुत ही खुश हो जाता है कि अच्छा इसी वजह से यहाँ पसंद नहीं आ रहे। फिर वो देखता है प्यारे बच्चों कि बाग का जो एक कोना रहता है वहाँ पे क्या रहती है, वहाँ पे अभी भी ठंडी रहती है। फिर देखता है कि वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जो कि पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है पर वो चढ़ नहीं पा रहा है। फिर जैसे ही वो वहाँ जाता है तो बच्चा भागता नहीं है क्योंकि उसे देख नहीं पाता है। उसके बाद वो जो मतलब कि यहाँ प्यारे बच्चों जो राक्षस रहता है वो उसे चढ़ा देता है उस पेड़ पर। फिर क्या होता है, फिर उसे उस पेड़ चढ़ा देता है, वहाँ पे भी क्या हो जाती है, यहाँ पे जो शीत ऋतु थी वो चली जाती है और यहाँ पे भी हरियाली वापस आ जाती है। इसके बाद सभी लोग देखते हैं कि अच्छा राक्षस तो कुछ नहीं कर रहा है, तो इसके बाद सभी बच्चे फिर से आकर के इसी गार्डन में खेलने लगते हैं। अब प्यारे बच्चों जब इन सभी लोगों को मतलब जितने भी सभी लोग थे सभी को खेलते देख करके इसे बहुत ही अच्छा लगता था। फिर प्यारे बच्चों ये क्या किया, ये सभी दीवारों को तोड़वा दिया और उसके बाद सभी लोगों को खेलने को अलाउ करता था। ये देखिए यहाँ पे बच्चे को उस पेड़ पे बैठा रहा है, ठीक, तो सभी को यहाँ पे क्या करता था प्यारे बच्चों, खेलने को अलाउ करता था। ऐसे ही समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे एक दिन क्या होता है कि ये देखता है कि बाग के एक कोने में फिर से वहाँ पे आ गया है, मतलब कि शीत ऋतु आ गई। जैसे ही वो वहाँ पे जाता है प्यारे बच्चों तो देखता है कि वही बच्चा जो था वो वहाँ पे फिर से है
और तो और प्यारे बच्चों ना, वो जो बच्चा था जो इस बार उसे दिखाया, वो वही वाला बच्चा था जिसे वो चढ़ाया था फेंस पे, मतलब कि यहाँ मान लीजिए कोई पेड़ है, इस पेड़ पे नहीं चढ़ाया था एक बच्चे को, तो वहां पे भी आ गई थी ऋतु, मतलब कि वसंत ऋतु फिर से आ गई थी और सर्दी चली गई थी। याद आ रहा है, अभी अभी तो बताया हूँ यार कि एक कोने में सर्दी बाकी थी, तो वहां पे ये फिर से जाता है और सभी बच्चे उसे देख के भाग जाते हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं भागता है, उसी को चढ़ा देता है। तो ये जो प्यारे बच्चों, ये वाला जो बच्चा रहता है, ये इसे कभी नहीं दिखाई देता है, तो ये उसी बच्चे की इंतजार करता है कि यार वो बच्चा कभी आता ही नहीं है जिसे मैंने अपने हाथों में लेकर के उस पेड़ पे चढ़ाया था, वो बच्चा क्यों नहीं आता है। तो इसी की खोज में वो बैठा रहता था, मतलब कि सोचता था कभी कभी। तो रुकिए मैं दिखाई दे रहा हूँ कौन सा बच्चा, 1 मिनट का आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, 1 मिनट क्या 10 सेकेंड यार, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला जो बच्चा रहता है, ये बच्चा इसे दोबारा कभी नहीं दिखता है। इसके बाद प्यारे बच्चों वही बच्चा फिर इसे दिखता है और वहां पे क्या होता है, शरद ऋतु का आगमन हो जाता है, यानी कि वहां पे फिर से कौन सी ऋतु आ जाती है, कौन सा मौसम आ जाता है, ठंडी का। तो प्यारे बच्चों वो जो बच्चा रहता है वो कहता है, देखो तुमने मुझे अपने बाग में खेलने दिया, अब चलो मैं तुम्हें अपने बाग में खिलाता हूँ, और वो बाग है स्वर्ग का। तो वो बहुत ही चकित हो जाता है, वो पूछता है कौन हो तुम। तो इसके बाद वो कुछ नहीं बोलता है और फिर उसी की मौत हो जाती है, और उस पे व्हाइट कलर के फूल जो होते हैं उसकी लाशों पे बिखरे होते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों ये कौन रहता है, गॉड रहते हैं जो आते हैं उसे लेने और उसे स्वर्ग, अपने स्वर्ग की बाग में लेके जाते हैं। तो देखा प्यारे बच्चों आपने किस तरह से राक्षस का हृदय पिघल गया। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी कि नहीं लगी? तो यदि अच्छी लगी प्यारे बच्चों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट लगने वाला नहीं है। तो मुझे उम्मीद है तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल ही फ्री है, और बहुत ही ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो फटाफट से विजिट कीजिए हमारे चैनल पे, देर किस बात की। तो मुझे उम्मीद है तक आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे।